लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। क्या है समस्या, कौन है जिम्मेदार? नगर सेवक, अधिकारी या सरकार? वार्ड परिक्रमा में खुलेगा भ्रष्टाचार का राज, बुलंद होगी आम जनता की आवाज। नगर सेवक को तो कभी नहीं देखा, नगर सेवक का भी काम है कि वो यहाँ के नगर में देखे। डेवलपमेंट तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। हम बहुत वार्ड परिक्रमा खोल खोल। स्वागत है आपका, मैं हूँ सुधीर शर्मा, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया का खास कार्यक्रम सवाल है। नवी मुंबई को एक सुनियोजित शहर माना जाता है और जिस तरह इसका तेजी से शहरीकरण हो रहा है उसके लिहाज से इसके लिए नया डीपी प्लान तैयार किया गया है। हालांकि कई वर्षों से उसे लागू नहीं किया जा रहा है। वजह यही है कि जो रिजर्व प्लॉट्स हैं, जो यूटिलिटी से जुड़े हुए प्लॉट्स हैं, जो सर्विस प्लॉट्स हैं, उसको सिडको खुलेआम बेच रही है। इसका खामियाजा निश्चित तौर पर इस सुनियोजित शहर को आगे भविष्य में भोगना पड़ेगा, इसलिए ये समस्या बेहद गंभीर है और आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के लीडर और रियल एस्टेट और पॉलिसी के एक्सपर्ट विजय घाटे साहब। घाटे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला आपसे यही जानना चाहेंगे कि लगातार डीपी प्लान को प्रकाशित करने की मांग चल रही है, इसके बावजूद जो उसकी जरूरत है उसे नहीं समझा जा रहा है, उसको नज़रअंदाज करके जिस तरह से भूखंड बेचे जा रहे हैं, इस पूरे इम्पैक्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कोई भी शहर अगर तैयार होता है तो उसमें पॉपुलेशन जितना भी होगा वो पॉपुलेशन के हिसाब से क्राइटेरिया होता है। हमारे नवी मुंबई के लिए सिडको ने क्राइटेरिया ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। महाराष्ट्र सरकार का क्राइटेरिया अलग है, लेकिन सिडको डेवलपमेंट अथॉरिटी होने की वजह से उन्होंने अपना क्राइटेरिया किया हुआ है। अब ये क्राइटेरिया क्यों दिया जाता है कि हर एक बस्ती को या हर एक इंसान को, शहर में रहने वाले को, काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है वो प्रोवाइड करना जरूरी होता है और नेसेसिटी होती है। आज नेरुल स्टेशन एक एग्जांपल करके ले लीजिए, यहाँ पे रेलवे से जाने वाले पैसेंजर्स काफ़ी लोग हैं, वो अपने व्हीकल्स वगैरह सब पार्क करते हैं। अब वो पार्क करने वाली अगर जगह बेच दिया गया है तो उसके वजह से आने वाले वक्त में अगर वो जगह बेच के बिल्डरों को दे दिया गया तो उसके ऊपर बिल्डिंग बनेगी, उसके बाद रेलवे कम्प्यूटर जो आएंगे कि जो बढ़ रहे हैं अभी, वो व्हीकल का पार्क करेंगे, व्हीकल को मेन रोड पे चले जाएंगे, मेन रोड पे जाने के बाद फिर ट्रैफिक जाम होगा या तो पेनल्टी लग जाएगी व्हीकल वालों को। इस तरीके से एक एक उदाहरण के तौर पे मैं बता सकता हूँ कि रेलवे स्टेशन का पार्किंग, ऐसे काफी सारे उदाहरण जो है वो हर एक नोड के लिए दे दिया जा सकता है। अब ये जो खुली जगह छोड़ी हुई है इसको डेवलपमेंट प्लान कहते हैं कि शहर अच्छे तरीके से सुविधा कर रखने के लिए जो महानगर पालिका ने करनी चाहिए उनके लिए खुली जगह देनी चाहिए। 1510 के करीब 27 लाख का पॉपुलेशन अभी आ जाएगा हमारे पास नवी मुंबई में आने वाले वक्त में। उस वक्त 1510 हेक्टर विविध उपयोग के लिए जगह होना जरूरी है। आज ये सोचना जरूरी हो गया है कि क्या हमारे पास वो जमीन है नहीं है। सिडको ने तो जमीन हैंडओवर कर दिया, उसके बाद कॉरपोरेशन ने 95 से काम किया। 2017 में हम लोग डीपी प्लान बना रहे, कॉरपोरेशन ने खुद इन्फॉर्म किया है सिडको को। तो अगर सिडको को कोई निर्णय लेना होगा तो सिडको ने पालिका को कंसल्ट करना चाहिए था। क्यों? आज के तारीख में अगर 17 लाख पॉपुलेशन है नवी मुंबई में तो उनके 111 लोक प्रतिनिधि वहां पे है कि जो ये 17 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं महासभा में, उन्होंने निर्देश दिए हुए हैं, उन्होंने अप्रूवल दिया हुआ है 2020 फरवरी में। महाराष्ट्र सरकार को भेजना तय हो गया 2020 मार्च में, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। ठीक है, लॉकडाउन लग गया तो 2020 तो आपका चला गया। 2021 में यह डेवलपमेंट प्लान इंप्लीमेंट करने के लिए पब्लिक का सजेशन ऑब्जेक्शन के लिए पब्लिश करना था, वो आज तक पब्लिश हुआ नहीं है। मैं 2020 सेकेंड लॉकडाउन से फॉलोअप कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं कहां चीजें अटकी हुई है और उसका इंपैक्ट ये हो रहा है कि सिडको जिस तरीके से टेंडर निकाल रही है, जिस तरीके से प्लॉट बेच रही है, उसके बाद आने वाले वक्त में आने वाले जो पॉपुलेशन बढ़ने वाला है रीडेवलपमेंट के वजह से बढ़ेगा, एसआरई के लिए बढ़ेगा, गांवठानों में वृद्धि हो रही है, ये सारी चीजें अगर देखेंगे कल को हमारा पास खुला जगह ही नहीं होगा। ये लेवल पे हम लोग पहुंचे हुए हैं आज के तारीख में और ये बहुत ही सीरियस इश्यू है और इसके ऊपर अभी अगर जनता ने ध्यान नहीं दे दिया
और जनता रोड पे नहीं उतरी तो मैं कहता हूं घूमने के लिए गार्डन नहीं होगा, ना खेलने के लिए मैदान होगा, ना कुछ होगा नवी मुंबई में। उदाहरण के तौर पर ऐसा क्या हो रहा है जो डीपी प्लान की जरूरत को सुनिश्चित करता है कि अब तत्काल इसका प्रकाशन होना चाहिए? देखिए एक सब एक समझ लीजिए मोटा मोटी, लोक प्रतिनिधि और महासभा जो होता है वो सर्वोच्च होती है, उनके पास ये डेवलपमेंट प्लान दिया गया, उन्होंने उसके अंदर सजेशन ऑब्जेक्शन 225-226 के करीब सजेशन ऑब्जेक्शन देके पास किया हुआ है। अगर उसके अंदर चेंज करना है तो महासभा का अप्रूवल चाहिए, गवर्नमेंट का शॉर्टकट तो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि लोकशाही डेमोक्रेसी की एक प्रक्रिया होती है। आज अगर कोई भी निर्णय प्रशासन ले रहा है तो वो महासभा ने दिए हुए आरक्षण के खिलाफ जाके ले रहा है, उसको ओवर रूल कर रहा है। आज नहीं तो कल तो महासभा आने वाली है, जिस दिन महासभा आ जाएगी और आपने अगर प्लॉट बेचा होगा और वहां पे वो सुविधा उस सेक्टर के लिए, उस नोड के लिए, उस वार्ड के लिए, उस प्रभाग के लिए जरूरी होगी, आप मुझे बात बताइए प्रशासन आंसर क्या देगा? अच्छा जो सिडको के अधिकारी है या जो कॉरपोरेशन के अधिकारी है वो तो पेट भरा हुआ है उनका, उनको तो क्या कोई भी जगह पे फ्लैट लेके निकल जा सकते हैं? जो नवी मुंबई में जिंदगी आ जन्म रहने वाले हैं, उनकी अगली पीढ़ी रहने वाली है, उनको आप जगह कहाँ से दे दोगे? रेल मैं वापस पूछता हूँ, रेलवे स्टेशन में पार्किंग कहाँ दे दोगे? ट्रक टर्मिनल्स आपने बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, और सेकेंडली उनके प्राइसेस भी कम आ रहे हैं। किसको कैसे पता है कि ये प्राइसेस ये रिजर्वेशन की वजह से गड़बड़ा रहे करके? ये सारी चीजें अगर देखा तो मेरे ख्याल से सिडको और एनएमएमसी इनके अधिकारी हाथ में हाथ मिला के ये एक स्कैम खड़ा कर रहे हैं, और मैं आपको उसकी गंभीरता बताता हूं। आने वाले वक्त में आने वाली महासभा जब खड़ी होगी, ना इस ओपन प्लॉट के ऊपर जनता कोई बिल्डिंग बना दे देगी, ना कुछ होगा, और वहां पे फंसेंगे तो बिल्डर अधिकारी लोग अपना काम करके निकल जाएंगे। इसके लिए ये अलर्ट होना जरूरी है, और अगर सोई सुविधा के लिए लोगों के अगर भूखंड अवेलेबल नहीं होगे तो कोई भी शहर टिक नहीं सकता लंबी देर तक, और डिजास्टर होगा, डिजास्टर डिजास्टर। आपने एक बहुत बड़ा संकेत दिया कि कहीं ना कहीं लैंड स्कैम हो रहा है इस डीपी प्रकाशन के नहीं होने से। कैसे हो रहा है, रिक्वायरमेंट कितनी लैंड की होगी आने वाले समय में, क्या आपने कोई ऑब्जर्वेशन किया है? देखिए हर एक फैसिलिटी के लिए कितना भूखंड पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए, ये उसका एक फॉर्मेट है जो सिडको ने तय किया हुआ है, वही फॉर्मेट कॉर्पोरेशन भी एक्सेप्ट कर रही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर के बताता हूँ, गार्डन, प्लेग्राउंड, ओपन स्पेस, ट्री बेल्ट और रिक्रिएशन ग्राउंड, इसके लिए हर 1000 आदमियों के लिए 0.3 हेक्टर जमीन चाहिए, ये सिडको के नॉर्म्स है। अच्छा, ये मेरे नॉर्म्स नहीं, ये पैरामीटर्स पहले से, मेरी मांग नहीं है, ये नॉर्म्स के हिसाब से होने चाहिए। आज के तारीख में 17 लाख पॉपुलेशन है, और वो 17 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से 510 हेक्टर जमीन चाहिए। आने वाले वक्त में पॉपुलेशन बढ़ने के बाद 10 साल के लिए नॉर्मली डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है कोई भी सिटी का। एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन मेरे हिसाब से 27 लाख के करीब होगी। 27 लाख पॉपुलेशन के लिए 810 हेक्टर जमीन चाहिए, है आज के तारीख में? बिल्कुल नहीं। एजुकेशनल हाई स्कूल और प्राइमरी के लिए 66.86 हेक्टर जमीन चाहिए, और 27 लाख के लिए 106.20 हेक्टर चाहिए, है हमारे पास? नहीं है। एजुकेशनल में कॉलेज के लिए प्लॉट चाहिए 21.6 हेक्टर, अपने को प्लॉट ओपन जगह चाहिए, ये पर्पस के लिए है अपने पास? नहीं है। हेल्थ के लिए, नर्सिंग होम के लिए 16.2 हेक्टर जमीन चाहिए, है अपने पास? नहीं है। हेल्थ हॉस्पिटल 13.5 हेक्टर जमीन चाहिए, है अपने पास? नहीं है। बाद में रिलीजियस के लिए 40.50 चाहिए हेक्टर लैंड, अपने पास है? नहीं है। कल्चरल लिंग्विस्टिक के लिए आता है प्लॉट, 224.10 हेक्टर चाहिए, हमारे पास नहीं है। बाद में कल्चरल कम्युनिटी कंटेस्ट हॉल होते हैं, सब कुछ होता है, लोगों की शादी ब्याह त्योहार जो भी होता है, 5.4 हेक्टर चाहिए, रख सकेंगे हम लोग ये? कल्चरल सेंट्रल लाइब्रेरी और लाइब्रेरी 5.4 हेक्टर चाहिए, कल्चरल ऑडिटोरियम के लिए 2.7 हेक्टर चाहिए, इंस्टीट्यूशनल प्रोफेशनल साइंटिफिक एंड अदर इंस्टीट्यूशन 224.10 हेक्टर चाहिए, वर्किंग वुमेन्स हॉस्पिटल और हॉस्टल, वर्किंग वुमेन हॉस्टल के लिए 8.1 हेक्टर चाहिए, क्या है हमारे पास? 8.1 हेक्टर। इंस्टीट्यूशनल अदर हॉस्टल्स उसके लिए 8.1 हेक्टर चाहिए, नहीं है। म्यूजियम के लिए जगह चाहिए 10.8 हेक्टर, हमारे पास नहीं आज बची हुई है। टोटल रिक्वायरमेंट 1518.30 हेक्टर जमीन चाहिए हमको कॉर्पोरेशन को 27 लाख पॉपुलेशन के लिए, नहीं है। और एज पर रिक्वायरमेंट के लिए
आपके पुलिस स्टेशन है, पुलिस कमर्शियल ऑफिसेज है, म्यूनिसिपल ऑफिस, फायर स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज, वुमेन वेलफेयर सेंटर, जिम्नेशियम, नाइट शेल्टर, SRA, रेसलिंग हॉल, MACB, ESR, GSR, MBR, CG, EG, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, डंपिंग ग्राउंड, पब्लिक यूटिलिटी, टॉयलेट। अब बात बताइए, ये फॉर्मेट मेरा, मैंने बनाया नहीं है, ना मेरी ये डिमांड है, ये सिटी प्लानिंग के हिसाब से सिडको ने सेट की हुई सिडकों की डिमांड है। आज मुझे बात बताइए, 1510 हेक्टर प्लस ये अमेनिटीज एज पर रिक्वायरमेंट, कहां से जमीन लेके आएंगे? आज अगर आप प्लॉट बेचोगे, ये सुविधा कहां दे दोगे? हमारे आने वाले पोता पोती, बेटा बेटी जो भी है, कौन से प्लेग्राउंड के खेलने वाले हैं? कितने सारे सेक्टर जैसे प्लेग्राउंड है ही नहीं उनके पास। ओपन प्लॉट दिखा तो दो चीजें होती है, एक तो सिडको बेच देती है या तो म्युनिसिपैलिटी गार्डन बना देती है, ना क्रिकेट खेलने का लिए कोई जगह है, फुटबॉल खेलने के लिए जगह है, ना बैठने के लिए जगह है, ना घूमने के लिए जगह है, ना कोई जगह नहीं है। कल को आने वाले वक्त में अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और डेवलपमेंट प्लान अगर पब्लिश नहीं हो गया तो ये सिटी में सिर्फ बिल्डिंगें रहेगी और कुछ होगा नहीं। ये हालत पे हम लोग जा रहे हैं और इसका दखल जनता ने भी लेना चाहिए। मैं खुद 1.5 साल से फॉलोअप कर रहा हूं, मेरे नेतृत्व 1.5 साल से फॉलोअप कर रहे हैं इसके पीछे। आपने तो बहुत डेटा बता दिया, जिसमें सिडको का ये डेटा है, जैसा आप बता रहे हैं कि 1510 हेक्टेयर जमीन अभी चाहिए जो उसकी तत्काल रिक्वायरमेंट है, लेकिन जिस तरह से यूटिलिटी प्लॉट्स और रिजर्व जो प्लॉट बेचे जा रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि भविष्य में इस तरह की रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा करने के लिए कहीं जमीन बचेगी भी, क्योंकि पूरे जमीन की सौदेबाजी हो रही है, सिर्फ धंधा किया जा रहा है एक तरह से। तो जाहिर सी बात है कि मुंबई का आने वाला जो भविष्य है, आने वाले जो लोग हैं यहाँ पर, जो पॉपुलेशन बढ़ने वाली, जो शहरीकरण से लोगों की जरूरत महसूस होने वाली है, वो कहीं ना कहीं वो प्रभावित होने वाली है। ऐसे में आपको लगता है क्या इसका सबसे बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि ये जमीन बेच रही है सिडको, ये जमीन जो है इस्तेमाल कर रही है महानगर पालिका, और दोनों इस वक्त जो है अपने अपने फायदे में खामोश हैं, अधिकारियों को कुछ पड़ी नहीं है। तो ऐसे में इसका जो बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट होगा आने वाले टाइम में, वो क्या होगा? आप थोड़ा सा इसको विस्तार से अगर बता सकते हैं तो बताएं। मैं छोटी 2-3 चीजें बताता हूं, हाँ। जो हमारे जिंदगी में रोजमर्रा की है। हमारे यहाँ पे जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो भी है हमारे जैसे, वो रोज ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन से आते हैं, अपनी बाइक वो या छोटी कार भी जो भी है वो पार्क करके चले जाते हैं, शाम को आते हैं, स्टेशन से उतरे, कार बाइक चलाने से पहले वो वेंडर के पास गए, वेजिटेबल ले लिया घर के लिए, घर पहुंचे, हाथ पैर धो लिया, अपना जिंदगी शुरू कर लिया घर का। आज स्टेशन के ऊपर जो पार्किंग जोन है उधर के प्लॉट बेचे गए, बेचने के बाद उस प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग बनेगी और वहां पे फेरी वाला हट्टा आने का वगैरह सब मुहिम चल रही है, पता नहीं ये बिल्डर स्पॉन्सर्ड है कि क्या है। आज मुझे बात बताइए, स्टेशन के बाहर आने से अगर ये सारी बेसिक चीजें कि जो एक कॉमन आदमी ट्रेन से उतरने के बाद अपना सामान लेके जाता है, उन लोगों को आप कहां बोलोगे सब्जी लेने के लिए? शॉपिंग मॉल में जाएंगे सब्जी लेने के लिए? फिश लेने के लिए शॉपिंग मॉल में जाओगे? फिश मार्केट आपने प्लान किया? नहीं किया। अच्छा, जो प्लॉट आपने तोड़ दिया उसके ऊपर जहां पार्किंग आने वाले बिल्डिंग आने के आप प्लान कर रहे हैं, पार्किंग हम लोग कहां करेंगे, उसके बारे में कोई आपके पास विचार है या उसके पास आपके लिए कोई और कुछ एडिशन है? वो भी कुछ नहीं है, खाली दिखा ओपन प्लॉट की बेच दिया, ये काम हो गया। अब दूसरी बात, बच्चे यहाँ पे अभी फैमिली बढ़ रही है, बच्चे हो रहे, उनको स्कूल चाहिए सर। आज स्कूल के अंदर फीस इतनी बड़ी हुई है, प्राइवेट स्कूल के अंदर, कॉरपोरेशन के अंदर स्कूल अगर नए नहीं बनेंगे तो आने वाले जनरेशन में 27 लाख अगर पॉपुलेशन होगा तो 27 लाख में बच्चे की संख्या भी बढ़ेगी, उनकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। कौन से स्कूल में एडमिशन ले लेंगे? के बम्बई के स्कूल में भेजोगे या पनवेल के आगे कोई स्कूल में भेजोगे? कहाँ भेजोगे? छोटी छोटी चीजों के लिए छोटे नर्सिंग होम है, सब चाहिए लोकल पे, वो कहाँ से लेके आ जाओगे? मार्केट के प्लॉट चाहिए, कहाँ जाके सामान ले लेने का? हर चीज के लिए मॉल बने हैं तो मॉल में जाने का मेरे जैसे कॉमन आदमी को नहीं परवड़ता है। शाम को अगर मेरे पास स्कूल से बच्चे लोग आते हैं कि माँ मुझे खेलने जाना है, आज के तारीख में हालत तो ये हो गई है कि स्कूल के साथ जो प्लॉट दिए गए हैं खेलने के लिए,
वो लीज पे दी गई है, शॉर्ट लीज पे, यानी लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाए। काफी सारे स्कूल वाले उसको क्लब में परिवर्तित कर चुके हैं। कॉमन आदमी, कॉमन बच्चा वहां अंदर जा भी नहीं सकता क्योंकि वहां पे पैसे देने पड़ते हैं, जबकि वो फ्री होना चाहिए। फ्री है, है फ्री है, लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है, ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्शन ले रही है, ना बैठे अच्छे खासे क्लब हो रहे। साहब मेरे जैसे कॉमन आदमी का बच्चा रोज अगर कहे 50 रुपया दो मुझे क्रिकेट खेलना है, कहां से लेके आए 50 रुपया? बिल्कुल, या तो अंदर क्रिकेट नहीं होगा, बास्केटबॉल होगा, और मेरे बच्चों को खेलना है क्रिकेट, वो कहां से खेलेगा? या तो फिर बच्चे क्या करेंगे, उनके पास दो ऑप्शन रहते हैं साहब, एक तो मोबाइल खेलते बैठो घर पे अंदर, या तो फिर गलत संगत में अगर फंसो तो ड्रग्स के पीछे चले जाओ, या अपनी जिंदगी बर्बाद करो। ये हाल आने वाले वक्त में नवी मुंबई का मैं देख रहा हूं। अगर प्ले ग्राउंड वगैरह सारे रिजर्वेशन अगर आपने भेज दिए तो ये पाप जो है इसके लिए भगवान भी माफ नहीं करेगा। आपने बहुत साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं जो महानगर पालिका और सिडको के जो अधिकारी हैं वो इसमें इन्वॉल्व दिख रहे हैं खुले तौर पर, कि जो ऑलरेडी रिजर्वेशन है, जो प्रोविजनल आरक्षण पहले से ही प्लॉट पर लगाया गया है, लेकिन वो चूंकि डीपी प्लान जो अभी प्रकाशित नहीं हुआ है तो उसके आड़ में उसका फायदा कहीं ना कहीं उठाया जा रहा है, और इसका जो बड़ा लाभ जो मिल रहा है ये बिल्डरों को मिल रहा है 100%। तो कैसे, जरा इसको डिफाइन करेंगे कि तो क्या आने वाले समय में उन बिल्डरों को भी नुकसानदायक साबित हो सकता है? शहर के लिए तो नुकसानदायक साबित होगा ही। देखिए इसके बारे में मैं सोचते समय दो तरीके से सोचता हूँ। एक, अगर आपने प्लॉट बेचा जिसके ऊपर आरक्षण है तो पालिका के अधिकारी को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो उसका प्लान पास करे, क्योंकि महासभा ने दिए हुए आदेश है, और आज के तारीख में महासभा नहीं है। जब महासभा अस्तित्व में आएगी तब उन्होंने निर्णय लेना है, तब तक अगर वो करते हैं तो महानगर पालिका के महासभा ने जो आदेश पास किए हुए उसको ओवररूल कर रहे और वो आंसरेबल रहेंगे उस चीज के लिए, क्योंकि महासभा कोई परमानेंट खारिज नहीं हो गई है, बराबर। ये हो गया पार्ट एक। उसके वजह से बिल्डरों को तकलीफ होगी कि पैसा डाल के भी बैठो और परमिशन भी नहीं मिले, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये होता है कि आरक्षण का इंफॉर्मेशन अगर मिले तो वो टेंडर के ऊपर, वही पर्टिकुलर प्लॉट के ऊपर कम प्राइस में डाल दूं, बेस प्राइस से थोड़ा ऊपर डाल दूं। सिडको क्या करेगी, 3 टेंडर आ गए 4 टेंडर आ गए तो जो हाईएस्ट है उसको दे देगी, बराबर। अब वो पर्टिकुलर प्लॉट के ऊपर अगर टेंडर कम जाता है तो महाराष्ट्र शासन का भी नुकसान और पैसा डाल के वो फंस गया। अगर क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया हाँ। कुछ जुगाड़ वगैरह सब लगा के क्लियर हो गया तो बिल्डरों को आधे दाम में वो प्लॉट मिलेंगे और बिल्डरों की बल्ले बल्ले हो जाएंगी, और साथ ही साथ में जो वो टीम में कार्यरत अधिकारी है जो ये प्रोग्राम सेट कर रहे कि भाई ये आरक्षण है इसके ऊपर ये प्राइस डाल और ये प्लॉट निकालो, वो उसके अंदर तकलीफ हो जाएगी। अब हकीकत क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो हायर रैंकिंग ऑफिसर्स है, अथॉरिटी है, उन्होंने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और ये मैटर इन्वेस्टिगेशन के लिए लेना चाहिए। पत्रकार करके मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि काफी सारी चीजें नेट पे अवेलेबल है, अगर आप उसके अंदर स्टडी कर सकेंगे। अब डीपी प्लान तो प्रकाशित नहीं हुआ है, ऐसे में क्या सुझाव आप देना चाहेंगे ताकि जो रिजर्व प्लॉट है वो बचे भी रहे और कानून का उल्लंघन भी ना हो और रेवेन्यू का भी नुकसान ना हो? देखिए जो मेरा सजेशन है, कॉर्पोरेशन ने डिक्लेयर करना चाहिए कि डीपी प्लान हमने रेडी करके रखा है और डीपी प्लान का रिजर्वेशन अगर उन्होंने सिडको को इन्फॉर्म किया होगा तो वो उन्होंने बोलना चाहिए और क्लियर कट डिक्लेयर करना चाहिए डीपी प्लान के हिसाब से जो रिजर्वेशन के प्लॉट है उनको कोई भी मंजूरी, किसी भी तरीके की मंजूरी कॉर्पोरेशन से मिलेगी नहीं जब तक महासभा अस्तित्व में नहीं आती और महासभा निर्णय नहीं लेती, ये उन्होंने डिक्लेयर करना चाहिए। तो चाहे सिडको कितना भी बिड निकाले वो बिड के अंदर वो कंडीशन होनी चाहिए, वो कंडीशन के बाद जब टेंडर भरेंगे ही नहीं कोई तो आगे की कहानी चलेगी नहीं, और ये होना चाहिए भी नहीं क्योंकि नवी मुंबई का जनता का 27 लाख लोगों का ये निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। ऐसे में ये भी प्रोविजन हो सकता है कि जो आरक्षित प्लॉट है अगर वो बेच दिए गए हैं तो उसकी परमिशन ही कैंसिल कर दी जाए, उसका जो आवंटन है वो भी कैंसिल करने के लिए महानगर पालिका क्या पहल कर सकती है? अगर परमिशन दिया होगा
तो आने वाले महासभा में इसका रोष उस अधिकारी को जिसने ये परमिशन दिया है उसको भुगतना पड़ेगा, और उसके लिए जो प्रक्रिया कानूनन लागू हो जाएगी उस अधिकारी को होगी। परमिशन मिलना नहीं चाहिए और परमिशन मिलेगी नहीं, ये मेरा महासभा के बारे में विश्वास है। एक लाइन में अगर आपसे पूछूं तो ये पूरा जो सिनेरियो चल रहा है कि विदाउट डीपी प्लान आरक्षित प्लाट बेचे जा रहे हैं, महानगर पालिका की जो अपील है वो सीट को सुनने के लिए तैयार नहीं है कि सीटकों का मकसद सिर्फ जमीन बेचकर पैसा कमाना है, ऐसे में अगर एक लाइन में पूछूं तो ये पूरा खेल क्या है जिसको रोकना बेहद ज़रूरी है नवीनबाई करों के लिए, नवीनबाई शहर के बेहतर विकास के लिए? ये जो चीज़ें चल रही है ना, ये वही कर सकते हैं जिनको नवी मुंबई के पास से, नवी मुंबई की जनता से कोई लगाव नहीं है। उनको मटेरियलिस्टिक वे में सोच रहा है कि भाई चाहे नवी मुंबई की जनता खड्डे में जाए, हमको हमारा पैसा चाहिए, ये सोच वाले लोग ही ये कार्यरत है। मैं अगर दो मिनट अगर है तो मैं एक बताना चाहता हूँ, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई हुई है, उनके यहाँ पे संथाल करके कम्युनिटी थी, फॉरेस्ट की लैंड जो है वो ब्रिटिशों ने जमींदारों के मार्फत अपने हताबे में लेना शुरू कर दिया और फॉरेस्ट कटवा दिया। उसके बाद वहां पे चार भाइयों ने आंदोलन किया, क्यों? उनके ही जमीन के ऊपर फॉरेस्ट नष्ट करके, सब कुछ नष्ट करके कानू मुर्मू इन्होंने फाइट किया था, क्योंकि उनके ही जमीन के ऊपर जाने के लिए जो उनके जिंदगी से जुड़ी हुई थी उनको पैसा देना पड़ रहा था। उसके बारे में उठाव हो गया, उठाव के बाद वो सारे पकड़े गए, लेकिन वो संथाल कम्युनिटी ने वो पूरा का पूरा बाद में सक्सेस होके ले लिया। आज हमको संथाल कम्युनिटी बनाने का काम ये कर रही है, और सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू ये नवी मुंबई में जरूर खड़े हो जाएंगे और इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ जरूर खड़े हो जाएंगे। आने वाले वक्त में हम लोग बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं कि चीजें कहाँ कहाँ मूव हो रही है, जहाँ होगी हमारे जो भी नगर लोक प्रतिनिधि महासभा में जाएंगे उनको फीड किया जाएगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ। आने वाले वक्त में अधिकारी ये ना समझे कि वो छूट गए बच गए करके, उनको आंसर खड़े रह के देना पड़ेगा जनता को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। जैसा कि आप सुन रहे थे कि जो डीपी प्लान प्रकाशित नहीं होने के कारण सिडको जिस तरह से जमीनों को बेच रही है और जिस तरह से आरक्षण की आड़ में या रिजर्वेशन की आड़ में जिस तरह से जमीनों की लूट मची है यहाँ पर कुछ बिल्डरों के जरिए, उसमें जाहिर तौर पर अधिकारी महानगर पालिका के और सिडको के अधिकारी उसमें शामिल हैं और वो उस व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो नवीनबाई के लिए आने वाले भविष्य में जरूरी है, 2025, 2027, 2050 तक जो इस शहर की जरूरत है, जो यहाँ के लोगों के लिए सेवा सुविधाओं की जरूरत है, निश्चित तौर पर उन सेवा सुविधाओं के साथ भी लूट चल रही है। ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं है बल्कि नवीनबाई के रहवासियों के भविष्य और उनकी खुशहाली पर लूट का मामला है जो तत्काल रुकना चाहिए, और ये तभी रुकेगा जब डीपी प्लान प्रकाशित होगा और उसके अनुसार जमीनों के आरक्षण के हिसाब से आवंटन होगा और सेवा सुविधाओं के लिए व्यवस्थाएं की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि नवीनबाई महानगर पालिका, सिडको और जो राज्य सरकार है इस पर गंभीरता से विचार करेंगी और नवीनबाई को, यहाँ के संसाधनों को और आने वाली संभावित जरूरतों को देखते हुए इस पर गंभीर निर्णय भी करेंगी। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी वन इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।